हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में गाइस। और आज है संडे, तो भाई आज हमने गुरु जी का सत्संग रखा है, हमारे छतरपुर वाले गुरु जी उनका सत्संग रखा है हमने गाइस। तो चलिए आप भी हमारे साथ रहिएगा। और टिया बाबू भी उठ गई है, ये भगी भगी आ रही है आप सब लोगों से बात करने के लिए। यही अभी हेलो कर नहाई दो भी नहीं फ्रेंड्स है। को। अभी नहाई नहीं है बाबू, नहाई नहीं करेगी। उसके बाद ये है कि हाँ भाई, शेफाली भी तैयारी कर रही है, देखो किचन में खड़ी हुई है, मसाला वसाला कर रही है। संडे को इसको भी आज ऑफिस है इसका, बट वही देखो ऑनलाइन ही करेगी घर पे बैठे हुए। तो चलिए फ्रेंड्स भाई, देखते हैं कैसे तैयार होते हैं, गुरु जी महाराज की कैसी कृपा होती है, हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स तैयारी शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स भाई, सब्जी की तैयारी हो गई है, तो भाई प्रसाद बन रहा है किचन में। मैंने प्रसाद बना दिया, आलू की सब्जी, पूरी और हलवा रखेंगे तो गुरु जी के भोग के लिए गाइस। और जो भी हमारी सत्संग आएगी उनको भी हम प्रसाद देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स भाई, और टिया बाबू, ये नारी टिया बाबू नहाई नहीं कर रही है, गंदी बच्ची। तो ये गंदी बच्ची नहा रही है, उस अपने कपड़े वड़े पहन के घूमती रहेगी, खेलती रहेगी, क्योंकि दंगा बहुत मचा रही है, कभी इधर पुधक रही कभी उधर पुधक रही है। तो चलिए फ्रेंड्स भाई, सब्जी बना लेते हैं। उसके बाद आपको देखने आलू उबाल रखे हैं, और ये मसाले दिखा दिए, हमारा मसाला है। तो भाई गुरु जी कृपा करें, हमारे गुरु जी, ये देखिए गुरु जी महाराज, तो सत्संग है हमारे घर में। तो भाई आप लोग बने रहिएगा, ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो भाई साथ में बने रहिए। तो चलिए भाई अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो फ्रेंड्स हो गई है भाई तैयारी, गुरु जी का हमने मंदिर जो सारा गुरु जी का सिंहासन सजा लिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्वरूप, देखिए गुरु जी का। तो भाई हम पहली बार ही कर रहे हैं सत्संग, तो जैसे हमसे हुआ हमने उतना किया है गुरु जी के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो अगर गुरु जी हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करना, कोई कमी रह जाए तो, क्योंकि हमें इतना पहली बार कर रहे हैं तो हमें ऐसे भी नहीं पता कि कैसे करना है सत्संग कैसे नहीं। तो भाई ये देखिए दरबार कितना सुंदर सजाया है गुरु जी का। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी सत्संग भी आने वाली है, तो गाने प्ले कर लेते हैं, प्लेलिस्ट तैयार है, तो गुरु जी की प्ले कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आया भाई शेफाली के ऑफिस, मतलब उसको काम पड़ गया था हॉस्पिटल में, उसके हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो भाई संडे को उसको थोड़ा काम आ गया था, इमरजेंसी थी, तो उसको लेके आना पड़ा। अभी उसका कर रहा हूँ वेट, तो जल्दी आती है तो फिर घर से चलते हैं, उसने तो बोला 10 मिनट में, अब देखो कितने घंटे वेट करवाती है। तो भाई वरना फिर मेरे को आना पड़ेगा इसे लेने के लिए, संडे का टाइम है। तो चलो फ्रेंड्स उसको वेट करते हैं भाई, और चलते हैं घर पर, घर पर मुलाकात करते हैं। सो फ्रेंड्स भाई, अच्छा हमारा जो था सत्संग बहुत बढ़िया गुरु जी का, जय गुरु जी। तो भाई जो भी गुरु जी को मानते हैं, आपको पता ही होगा कि कितनी मान्यता है गुरु जी की, जो भी काम बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने से ही। तो भाई गुरु जी का हमने कीर्तन किया था, सत्संग किया था, तो काफ़ी अच्छा था। तो यही है कि थोड़े बंदे हमारे कम आए थे, सत्संग ही कम आया था, क्योंकि आसपास जो मानते हैं सिर्फ वही आए थे, बाकी इनवाइट तो किया था छोटा सा पड़ोस है। अब धीरे धीरे जैसे गुरु जी की कृपा होती रहेगी उसी हिसाब से करते रहेंगे भाई। तो भाई देखिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, गुरु जी हमारे घर में दोबारा करते हैं। सो फ्रेंड्स भाई शाम हो चुकी है, तो भाई अब चाय पानी पी लिया हमने, बाकी सोफे वगैरह देखिए हमने दोबारा लगा दिए हैं, ये देखिए
वैसे ही बना दिया घर को जैसे पहले था। तो वही सोफे वोफे तो निकाल के रख दिए थे हमने, क्योंकि घर में थोड़ा स्पेस बन जाता सोफे वगैरह निकाल दो। तो चले फ्रेंड्स भाई अभी कुछ देर बाद मिलते हैं। अरे हमारी बच्ची ने बड़ा परेशान कर रखा है। बोलो यहाँ देख के बोलो। मैं ना पढ़ाई कर रही हूँ, फिर मम्मी बुला लिया पढ़ाई। तो क्या पढ़ रहे हो आप पढ़ाई में? काउंटिंग। काउंटिंग पढ़ रहे हो? अच्छा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये आगे फिफ्टीन किधर गया? ये क्लैपिंग करो। ये तो फ्रेंड्स भाई रात हो गई है और खाना पीना भी हो गया। तो भाई अच्छा रहा आज का दिन हमारा संडे का, इससे पहले का ही बहुत अच्छा दिन रहा। ये हमारे घर आए, पूरा दिन इसका ऑफिस में निकला है, मतलब काम करते हुए, क्योंकि आज इसका संडे लग गया था। तो भाई इसने घर से ही काम किया था, बेचारी बिजी रही, अच्छे से वो भी अटेंड नहीं कर पाई सत्संग। तो भाई सत्संग भी अच्छा रहा हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स भाई इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। आशा है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और टी आपसे कहेगी कुछ, बोलो। लाइक रुको रुको सब्सक्राइब दोबारा लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। गुड नाइट गुड नाइट करना पापा है। तो भाई अभी सीख रही है बोलना, कह रही है हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो भाई सीख जाएगी, काफ़ी मीठी आवाज़ है इसकी। आजकल इतनी शैतान हो गई है कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। अभी बहुत बच्चों को उसने मारा बाहर, बड़े बड़े बच्चों को मार देती है ना वो बेचारे, कुछ कर नहीं पाते, छोटी है क्या मारेंगे उसको। वो शिकायत लेके आते हैं फिर यहाँ पे। अब हम इसे क्या बोले और उन्हें क्या बोले, इसे डांटते हैं तो भाई ये और डांटने से फिर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, हमें ही मारने लगती है, तो इसलिए हम भी डरते हैं इससे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।